पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां हर दिन औसतन 200 मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं आज स्वाइन फ्लू के 6 मरीज सामने आने से शहर में डर का माहौल बन गया है। इसी के साथ ही कोरोना के 291 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 मौतें दर्ज की गई है। इसलिए नागपुर वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। जहां पहले स्वाइन फ्लू के 14 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं आज संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ इस साल नागपुर शहर में इन्फ्लुएंजा AH1N1 या स्वाइन फ्लू के कुल 22 मामले सामने आए हैं। इनमें से 16 मरीज नागपुर नगर निगम सीमा के हैं और 6 मरीज शहर के बाहर के हैं। पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नगर महामारी विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कुल 18 रोगियों के प्रयोगशाला परीक्षणों में पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं। हालांकि स्वाइन फ्लू एक हल्की बीमारी है, लेकिन ये उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या प्रतिरक्षणात्मक व्यक्तियों से गंभीर हो सकता है। इसलिए महामारी विज्ञान विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नवखरे ने इसे हल्के में न लेते हुए सतर्क रहने की अपील की है।